हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़, चैप्टर नंबर 4। आज इस वीडियो में हम नेक्स्ट सर्विस को डील करेंगे, विच इज़ बीमा, यानी क्या होता है। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करें, उससे भी पहले हमें समझना ज़रूरी है कि देर आर सो मेनी रिस्क इन आवर लाइफ। हम बिजनेस के अकॉर्डिंग भी बात करेंगे, बट इवन अगर हम पर्सनल लाइफ की भी बात कर, इसमें काफ़ी सारे जोखिम होते हैं, रिस्क होते हैं, जोखिम या लॉस होने के चांसेस। ठीक है, जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, एक्सीडेंट होने का चांस है, हमारी लाइफ भी जा सकती है उसमें, या हमारा व्हीकल जो है वो डैमेज हो सकता है। इसके अलावा आग लग जाना, या ज़्यादा बारिश होने से बाढ़ आने से घर में पानी भर जाना और सामान खराब हो जाना, काफ़ी सारी जो रिस्क हैं वो हमारे लाइफ में हमारे आसपास होते हैं, जिनकी वजह से हमारी लाइफ भी खतरे में आ सकती है और इवन हमारी प्रॉपर्टी भी डैमेज हो सकती है, टोटली डिस्ट्रॉय है। तो ये सब जो रिस्क हैं, इन सभी रिस्क से रिलेटेड होता है इंश्योरेंस। लॉस को 100% ख़त्म तो नहीं कर सकते हैं, बट हम लॉस को कंपनसेट ज़रूर कर सकते हैं। ओके, सो बात करते हैं हम इंश्योरेंस की। अगर मैं एक प्रॉपर डेफिनेशन के थ्रू आपको इंश्योरेंस को समझाना चाहूँ, तो बीमा ये एक ऐसा अनुबंध है जिसके अनुसार किसी प्रतिफल के बदले में, जिसे प्रव्याजी यानी प्रीमियम कहते हैं, एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को किसी विशेष घटना के घटित होने से एक निश्चित धनराशि तक क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है। काफ़ी टिपिकल हिंदी थी। ओके, मैं आपको समझाती हूँ। इंश्योरेंस ये कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन टू पार्टीज, जिसमें वन पार्टी है कौन, जिसे कि इंश्योरेंस करवाना है, एंड सेकेंड वन इज़ जो इंश्योरेंस करता है। ठीक है, यानी इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, इन दो पर्सन या दो पार्टीज़ के बीच का एक एग्रीमेंट होता है, रिटन एग्रीमेंट, जिसमें इंश्योरर जो है यानी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इंश्योर्ड पर्सन को किसी पर्टिकुलर इवेंट के होने से होने वाले लॉस को कंपनसेट करने का प्रॉमिस करता है। ओके, तो इसके बदले में जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इंश्योर्ड पर्सन से एक पर्टिकुलर अमाउंट लेती है एज प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, एंड बदले में रिस्क को बियर करने या रिस्क को कंपनसेट करने का प्रॉमिस करती है। ओके, एंड इवन अगर बाय चांस कोई रिस्क अपीयर होता है, कोई अनसर्टेन इवेंट ऑकर होता है लाइफ में, तो उससे जो भी लॉस हुई है उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी जो है ये लायबल रहती है, रिस्पॉन्सिबल रहती है। ओके, तो बिजनेस के अकॉर्डिंग हम बात करें तो बिजनेस में तो बहुत सारे रिस्क होते हैं, रिस्क रिलेटेड टू स्टोरेज ऑफ गुड्स, स्टोर्स गुड्स में आग लग जाना या बाढ़ आने से पानी में बह जाना माल का, या डिस्ट्रॉय हो जाना, डैमेज हो जाना, या फिर वाइल गुड्स आर इन ट्रांजिट, एक्सीडेंट हो जाना, जिस भी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हम उसे सेंड कर रहे हैं तो उसमें डिस्ट्रॉय हो जाना गुड्स का, या शिप के थ्रू मान लो सेंड किया है, कार्गो के थ्रू सेंड किया है, तो समुद्री मार्ग में उसका डूब जाना या एक्सीडेंट हो जाना, तो काफ़ी सारे ऐसे रिस्क है जो बिज़नेस को बियर करने पड़ते हैं। बिज़नेस प्रिमाइस या जो फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, उसमें आग लग जाना, ये सब चीज़ें जो हैं ये बिज़नेस के लिए बहुत ही लॉसफुल इवेंट्स होते हैं। ओके, सो हम लॉसेस को 100% कंपनसेट तो नहीं कर सकते, या ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि हमने इंश्योरेंस करवा लिया तो भगवान का कोई स्पेशल आशीर्वाद आ गया कि अब तुम्हें लॉस ही नहीं होगा या रिस्क आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। इंश्योरेंस करवाने से सिर्फ ये बेनिफिट होता है कि बाय चांस अगर कोई अनसर्टेन इवेंट होता है, या कोई ऐसा इवेंट होता है जो कि लॉस जिसके थ्रू हो सकता है, तो ऐसे इवेंट को कंपनसेट, यानी ऐसे इवेंट से होने वाले लॉस को कंपनसेट करने का प्रॉमिस इंश्योरेंस कंपनी करती है।
ठीक है, तो उस लॉस को कंपनसेट करती है कंपनी, जिससे कि जो इंश्योर्ड पर्सन है उसका लॉस मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है, तो ये तो था इंश्योरेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंश्योरेंस। फर्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें, बीमा एक अनुबंध है, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस अभी मीनिंग में ही मैंने आपको बताया था कि इंश्योरेंस जो है इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, फर्स्ट पार्टी इज इंश्योर्ड एंड सेकेंड पार्टी इज इंश्योरर। ठीक है, तो ये एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जैसे कि अदर लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वैसे ही इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें भी सारे इम्पॉर्टेंट इसेंशियल एलिमेंट्स जो हैं इंक्लूड रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद हमारा नियत प्रतिफल फिक्स्ड प्रीमियम। इसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को कंपनसेशन प्रोवाइड करने के बदले में कुछ अमाउंट लेती है जिसे हम बोलते हैं प्रीमियम। ठीक है, यानी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इंश्योर्ड पर्सन के लॉस को कवर करने का जो प्रॉमिस करती है उसके बदले में वो रिटर्न में कुछ अमाउंट लेती है जिसे हम जनरल लैंग्वेज में इंश्योरेंस प्रीमियम बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद पक्षकार यानि पार्टीज। इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इसमें दो पार्टीज होती हैं, फर्स्ट इंश्योरर एंड सेकेंड इज इंश्योर्ड। ठीक है, इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है लॉस को कंपनसेट करने का, और इंश्योर्ड मीन्स वो पर्सन जिसने की पॉलिसी ली है इंश्योरेंस की और जो प्रीमियम पे करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद निश्चित धनराशि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी। इंश्योरेंस जब करवाया जाता है तो ये एक पर्टिकुलर अमाउंट के लिए या फिक्स्ड अमाउंट के लिए करवाया जाता है। ओके, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने इंश्योरेंस बस पॉलिसी करवा ली, कितने का भी लॉस हो कंपनी कंपनसेट कर देगी, ऐसा नहीं होता है। एक फिक्स अमाउंट होता है जितने अमाउंट के लिए, डेफिनेट अमाउंट के लिए इंश्योरेंस करवाया जाता है, एंड दैट अमाउंट इज नोन एज इंश्योरेंस अमाउंट। ओके, जैसे कोई बिल्डिंग है तो उसका 10 लाख रुपीज़ का इंश्योरेंस करवाया है ना, इस अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है इसके बाद घटना का घटित होना कॉन्टिनजेंसी ऑकरिंग। इंश्योरेंस के लिए ये ज़रूरी है कि इंश्योरेंस की जो ड्यूरेशन है, एक फिक्स टर्म के लिए जनरली इंश्योरेंस करवाया जाता है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो जितने भी साल का इंश्योरेंस करवाया है उतने ड्यूरेशन में पर्टिकुलर इवेंट का होना और उससे लॉस होना ज़रूरी होता है। अगर कोई लॉस नहीं हुआ है तो कोई इंश्योरेंस का अमाउंट उसमें रिसीव नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट है इसके बाद जोखिम का मुद्रा में माप, मेजर ऑफ रिस्क इन मॉनेटरी टर्म्स। इंश्योरर जो है वो ऐसे ही लॉसेस को कंपनसेट करता है जो कि फाइनेंशियल नेचर के हो, यानी जिन्हें मनी में मेजर किया जा सकता हो। ओके, तो ये थे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बीमा का महत्व या लाभ। इंश्योरेंस जो है बहुत ही एडवांटेजियस है फॉर इंडिविजुअल्स, फॉर बिजनेस एंड इवन फॉर सोसाइटी टू। ठीक है, तो इसके इम्पोर्टेंस को हम कुछ पॉइंट्स में डील कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसका, बीमा से व्यावसायिक सुरक्षा, प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन। बीमा से व्यावसायिक सुरक्षा प्राप्त होती है, एंड इवन अगर हम कॉमन वे में बात करें तो इंश्योरेंस सभी को लॉस से प्रोटेक्ट करने का
वर्क करती है। बिजनेसमैन की अगर हम बात करें, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ रिस्क विच आर इन्वॉल्व इन बिजनेस। फायर से लॉस हो सकता है, मरीन इंश्योरेंस होता है जिससे मरीन से होने वाले जो रिस्क हैं वो रिड्यूस होते हैं। इवन एक इंडिविजुअल पर्सन अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवा के फैमिली को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। इंश्योरेंस कंपनी एक फिक्स अमाउंट ऑफ प्रीमियम लेकर और इंश्योर्ड पर्सन को के जो भी रिस्क हैं उन्हें अपने ऊपर लेती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि इन फ्यूचर अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है और उससे कोई लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड पर्सन को कंपनसेशन प्रोवाइड करेगी। इसका बेनिफिट क्या होता है कि जब इंश्योरेंस कंपनी अश्योरेंस प्रोवाइड करती है तो इंश्योर्ड पर्सन की रिस्क बियरिंग कैपेसिटी जो है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। तो बिजनेस के लिए स्पेशली जब रिस्क बियरिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है तो बिजनेसमैन ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेकर बिजनेस कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, सुरक्षा एवं विनियोग तत्व, सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट। ओके, तो एक और तो जहां इंश्योरेंस में सिक्योरिटी का एलिमेंट इन्वॉल्व है बिकॉज ये लॉस को कंपनसेट करने का अश्योरेंस देता है, दूसरी तरफ ये एक इन्वेस्टमेंट भी है जो सेविंग्स को भी प्रमोट करता है। स्पेशली अगर हम बात करें लाइफ इंश्योरेंस की, तो लाइफ इंश्योरेंस स्पेसिफिकली एक ऐसा टाइप है इंश्योरेंस का जो सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट दोनों पर्पस में इन्वॉल्व होता है। इसमें इंश्योर्ड पर्सन की अगर एक पर्टिकुलर पीरियड में डेथ हो जाती है तो उसका जो भी उत्तराधिकारी होगा उसे एक फिक्स अमाउंट जो है वो इंश्योरेंस कंपनी पे कर देती है और इवन उसकी फैमिली को इससे इकोनॉमिकल सेफ्टी प्रोवाइड होती है। और इवन अगर एक फिक्स पीरियड में इंश्योर्ड पर्सन की डेथ नहीं भी होती है तो भी उसे इंश्योरेंस का पूरा अमाउंट पे कर दिया जाता है। तो इस टाइप से इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट का भी पॉइंट एलिमेंट जो है वो इन्वॉल्व है, ठीक है। और इवन समटाइम्स इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो लोन लेते टाइम एज सिक्योरिटी भी यूज़ में आती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। अब बात करते हैं हम हमारे थर्ड पॉइंट की, बचत को प्रोत्साहन, इनकरेजमेंट टू सेविंग्स। इंश्योरेंस प्रीमियम को पे करना कंपलसरी होता है, ठीक है। तो ऐसे में जो इंश्योर्ड पर्सन है वो अब सेविंग करके और इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है उसे पे करता है, क्योंकि अगर वो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने में अनेबल रहता है तो उस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल हो सकता है। तो ऐसे में एक पर्सन अपने सेविंग्स को क्रिएट करता है ताकि वो इंश्योरेंस प्रीमियम एटलीस्ट टाइम पर पे कर सके, ठीक है। तो इससे सेविंग करने की हैबिट भी जनरेट होती है, वो भी पॉसिबल होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, रोजगार में वृद्धि, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो अगर हम बात करें रोजगार में वृद्धि की, तो इंश्योरेंस जो है ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों वे से काफ़ी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में वर्क करता है। अब वो कैसे? फर्स्ट थिंग, तो इंश्योरेंस कंपनीज में ही डायरेक्ट वे में काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ जो है वो वर्क करते हैं, चाहे वो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी हो या गवर्नमेंट की, दोनों में ही बहुत सारे लोग एज परमानेंट जॉब भी वर्क करते हैं। बट उसके अलावा काफ़ी सारे इंश्योरेंस एजेंट्स भी हैं जो इंश्योरेंस कंपनी से कनेक्टेड होते हैं एंड जॉब करते हैं एंड अपने लाइवलीहुड को क्रिएट करके रखते हैं, चलाते रहते हैं। इसके अलावा अगर इनडायरेक्ट वे में हम बात करें तो इंश्योरेंस से कैपिटल का फॉर्मेशन होता है जिसके थ्रू इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो है वो डेवलप होती है, क्योंकि जो भी अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी में कलेक्ट होता है एज प्रीमियम
उस कलेक्टेड अमाउंट को इंश्योरेंस कंपनी जो है वो कंपनीज में इन्वेस्ट करती है, जिसके थ्रू कंपनीज को कैपिटल प्रोवाइड होती है। बिकॉज ऑफ जनरेशन ऑफ कैपिटल या फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल, जो इंडस्ट्रीज़ हैं या कमर्शियल हाउसेज हैं वो डेवलप होते हैं और न्यू बिजनेसेस ओपन होते हैं, जिनकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन्स जो हैं वो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ और कमर्शियल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, जॉब करते हैं और अपने आसपास के लोगों को रोज़गार यानी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में भी इंश्योरेंस जो है वो एम्प्लॉयमेंट के जनरेशन में हेल्प करती है। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इसके बाद विदेशी व्यापार में सहायक, हेल्प इन फॉरेन ट्रेड। विदेशी व्यापार में सहायक या हेल्प्स इन फॉरेन ट्रेड, ज़्यादातर बिजनेसेस जो हैं जो कि फॉरेन ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं, उनका सबसे बड़ा टेंशन यही होता है कि गुड्स सेफली एंड सिक्योर वे में अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। बट बहुत ज़्यादा रिस्क होता है फॉरेन ट्रेड में। जनरली फॉरेन ट्रेड में गुड्स जो हैं या तो सी वे से यानी समुद्र के थ्रू या फिर एयर वे से यानी कि एरोप्लेन के थ्रू ट्रांजिट किए जाते हैं। तो इन दोनों ही वेज से गुड्स को ट्रांजिट करना काफ़ी रिस्की होता है। तो समुद्री बीमा यानि मरीन इंश्योरेंस और दुर्घटना बीमा, इन दोनों के थ्रू सभी टाइप के रिस्क से रिस्क जो है मिनिमाइज हो जाते हैं एंड जो ट्रेडर्स हैं फॉरेन ट्रेड में इन्वॉल्व, उनको कॉन्फिडेंस आता है फॉरेन ट्रेड में इन्वॉल्व होने का। सो मरीन पॉलिसी लेकर एक्सपोर्टर जो है अश्योर्ड फील करता है कि बाय चांस वाइल इन ट्रांजिट गुड्स किसी भी वजह से लॉस्ट हो जाते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो उनको अश्योर्ड वे में इंश्योरेंस कंपनी से कंपनसेशन प्रोवाइड हो जाएगा। तो ये कॉन्फिडेंस आने से वो फॉरेन ट्रेड में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होने के लिए ट्राई करते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली इससे फॉरेन ट्रेड के डेवलपमेंट में भी ज़्यादा इंक्रीमेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद हमारा जोखिम के वितरण में सहायक, हेल्प्स इन स्प्रेडिंग द रिस्क। ओके, बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी क्या वर्क करती है, वो मान लो फॉर एग्जांपल 10 ट्रेडर्स हैं जिन्होंने इंश्योरेंस करवा रखा है फायर इंश्योरेंस। ठीक है, सभी जो 10 ट्रेडर्स हैं वो सभी फायर इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम पे करेंगे इंश्योरेंस कंपनी को। देन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि आपने इंश्योरेंस का आग लगेगी ही सही। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है और इवन ऐसा जनरली होता भी नहीं है कि 10 लोगों ने इंश्योरेंस करवाया 10 के 10 को ही लॉस हो जाएगा। बहुत एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा होता है कि एक्चुअल में आग लग गई है और लॉस हो गया है, 10 में से एक या दो लोगों के यहाँ हो सकता है कि एक्चुअल में आग लग जाए और लॉस हो जाए। तो उस कंडीशन में जो 10 लोगों ने प्रीमियम पे किया है उसके थ्रू जो कलेक्टेड अमाउंट है, उस अमाउंट से उन एक या दो लोगों का जो लॉस है बिकॉज ऑफ फायर, उसे कंपनसेट किया जा सकता है। ठीक है, तो कहने का सेंस ये है कि 10 लोगों का जो म्यूचुअल कॉन्ट्रीब्यूशन था वो एक या दो लोगों को मिल गया बिकॉज ऑफ देयर एक्चुअल लॉस, यानी उन दो लोगों का जो लॉस है उन 10 लोगों की प्रीमियम से कंपनसेट हुआ, यानी कि वो लॉस जो है उन 10 लोगों में डिवाइड हो गया, स्प्रेड हो गया। ओके, तो बेसिकली इंश्योरेंस जो है ये इसी प्रिंसिपल पे वर्क करती है कि सभी लोगों से अमाउंट कलेक्ट करो और जिसको लॉस हो एक्चुअल में उस पर्सन को कंपनसेट कर दो। ठीक है, तो ये तो था इंश्योरेंस का महत्व या लाभ, इम्पोर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, इसके अलावा और भी इंश्योरेंस के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, पॉइंट्स बहुत सारे हैं, बट मैंने आपको 6 पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं सो दैट आप उन्हें अच्छे से लर्न कर लें।
इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको शॉर्ट में एक बार बताना चाहती हूँ, ठीक है। तो इंश्योरेंस जो है ये इससे जो इंश्योर्ड पर्सन है उसको काफ़ी बेनिफिट होता है, क्योंकि एक इंश्योरेंस प्रीमियम पे करके उसका जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है। अब बाय चांस कोई पर्सन है और उसे अपनी फैमिली का टेंशन है कि मेरे बाद मेरी फैमिली का क्या होगा, तो अगर वो अपना लाइफ इंश्योरेंस करवा लेता है तो उसका ये जो टेंशन है या इसका जो उसका ये जो रिस्क है कि मेरे बाद मेरी फैमिली का क्या होगा, वो चीज़ वो रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो जाता है कि अगर मैं नहीं रहा तो मेरे बाद इंश्योरेंस का जो अमाउंट है उससे फाइनेंशियल हेल्प हो जाएगी फैमिली की, ओके। इसके अलावा इंश्योरेंस के थ्रू इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ डेवलप होती हैं, बिकॉज रिस्क मिनिमाइज हो जाता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है, और कॉन्फिडेंस बढ़ने से ऑब्वियसली जितना हम डर के कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उतना ही उसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस या लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जहाँ हम कॉन्फिडेंस के साथ अगर अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं तो सक्सेसफुल होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस से सोशल बेनिफिट्स भी हैं। इंश्योरेंस से एक तो सबसे पहली चीज़ फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है। इसके अलावा जो बेरोज़गार हैं अनएम्प्लॉयड पर्सन से तो अनएम्प्लॉयमेंट का भी इंश्योरेंस होता है। देन कोई एक्सीडेंट होने से या मेडिकल इंश्योरेंस, इनकी वजह से भी काफ़ी सारे जो इकोनॉमिक बर्डन्स हैं वो इंश्योरेंस की वजह से मिनिमाइज होते हैं। साथ ही साथ इंश्योरेंस के थ्रू और भी काफ़ी सारे लाभ होते हैं। काफ़ी सारे टाइप के इवन इंश्योरेंस होते हैं जिनके बारे में अगर हम डिस्कस करने चाहें तो पूरी एक बुक उस पर हम बिल्कुल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मैं कुछ भी इंश्योरेंस के नेम्स भी आपको बता सकती हूँ, लाइक फसल का बीमा होता है, बीमारियों का बीमा होता है, मेडिकल इंश्योरेंस, बेरोजगारी बीमा, इवन प्रसूति बीमा भी होता है, देन दायित्व बीमा, शारीरिक अंगों का बीमा एंड संपत्ति बीमा, ये सारे टाइप के इंश्योरेंसेस होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि हमारे बॉडी पार्ट्स का भी इंश्योरेंस हो सकता है, जैसे अगर आप जानते हो अदनान सामी को, नाम सुना होगा शायद आपने, वो फास्टेस्ट पियानो प्लेयर है, तो उसने अपनी फिंगर्स का इंश्योरेंस करवा रखा है, ओके, बिकॉज उसके लिए वही उसकी प्रॉपर्टी है। जैसे जो सिंगर्स होते हैं वो अपने गले का इंश्योरेंस करवा लेते हैं बिकॉज उनके लिए उनकी आवाज़ ही उनकी प्रॉपर्टी है। तो इस टाइप से हर कोई पर्सन अपने वैल्यूएबल थिंग्स, अपने क्वालिटी, वैल्यूएबल क्वालिटीज़, इन सब का इंश्योरेंस करवा लेते हैं। जैसे कोई पेंटर होता है, अगर कोई फेमस पेंटर है तो वो अपनी पेंटिंग का इंश्योरेंस करवा सकता है, ओके। जैसे एक फार्मर अपने क्रॉप यानी अपनी फसल का इंश्योरेंस करवा सकता है कि बाय चांस, बहुत सारे कई बार ऐसा होता है कि बारिश नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, और फिर फसल बहुत अच्छी हो चुकी है, चलो पानी डाल के, बट कभी बहुत पानी आया या बेमौसम बारिश आई और पूरी फसल ख़राब हो गई, या फिर आग लग गई उससे फसल ख़राब हो गई, या जानवर आके खा के चले गए, फसल को पूरी बर्बाद करके चले गए, तो उस कंडीशन में अगर क्रॉप इंश्योरेंस है तो जो फार्मर है उसको ये लॉस बियर करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये लॉस जो है इस लॉस को इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट करेगी, ओके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू लॉसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस जो हैं वो बियर किए जाते हैं, कंपनसेट किए जाते हैं, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही, हमने इंश्योरेंस का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पोर्टेंस समझे हैं। होप्स आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।